हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी सक्सेना। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। सो आज का वीडियो हम बना रहे हैं लूपिंग के ऊपर। पहले हम शुरू करते हैं, पहले समझो कि लूपिंग होती क्या है। लूपिंग मीन्स अगर मुझे सपोज अपना नाम, या चलो आई वांट टू प्रिंट लर्निंग हब 10 times, तो मैं क्या लिखूंगी? प्रिंट एफ लर्निंग हब 10 times, 100 times, 1000 times, देन व्हाट शुड बी डन? तो क्या मैं 1000 times लिखूंगी? तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो अगर मुझे एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करना है या फिर एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में हम लूप्स यूज़ करते हैं। तो इट अलाउज़ यू टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट हो, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी होते हैं और उनको कई बार अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो उस केस में वी विल यूज़ लूप। ये देखिए, लूप इसी फॉर्म में है। मैंने जैसे यहाँ पे लगाया ऑब्जर्व ओरिएंट डिसाइड एक्ट, फिर ऑब्जर्व ओरिएंट डिसाइड एक्ट, इट इज़ अ लूप, मीन्स ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूसली वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ है, कंडीशन के बेस पे लूप्स एग्जीक्यूट होता जाएगा। अब दो तरह के लूप्स होते हैं, एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल मीन्स कि आपका कंडीशन चेक होगी पहले, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका जो भी कोड लिखा है, सिंगल स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी कंडीशन ट्रू होगी तो ही लूप चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, एग्जिट कंट्रोल यानी एक बार एटलीस्ट वो चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो इसमें बेनिफिट ये है कि कंडीशन फेल हो या ना हो, एक बार एटलीस्ट लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। सो अच्छा, इस एंट्री कंट्रोल में दो लूप है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। एक एक करके हम समझेंगे, फिर हमको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप मीन्स जिसमें इनिशियलाइजेशन होता है, टेस्ट एक्सप्रेशन होता है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये तीनों चीज़ जो है वो फॉर में भी आएगी, व्हाइल में भी आएगी एंड डू व्हाइल में भी आएगी, तीनों आएगी। सिर्फ फॉर्म अलग होगा, सिर्फ सिंटेक्स अलग होता है। ठीक है, कैसे हम लिखते हैं? फॉर लिखा राउंड ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, मींस मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कंडीशन चेकिंग, टेस्ट एक्सप्रेशन और कंडीशन चेकिंग। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा फिर इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे, दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने आई डिफाइन किया था इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो इंट आई मैंने डिफाइन किया था, या ऊपर इनिशियलाइजेशन हो ना हो चलता है। I इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो वो क्या करेगा, अपनी वैल्यू को इससे चेक करेगा, क्या ये 10 से कम है? अगर है तो इट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स इन द कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस लगाना मैंडेटरी है, नहीं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तभी इंक्रीमेंट होगा, आई का इंक्रीमेंट। ठीक है, अगर आई का इंक्रीमेंट होता है तो फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फिर वो चेक करेगा क्या वो 10 से कम है, हाँ जी है, तो फिर वो अंदर आएगा, उसको प्रिंट करेगा, यानी इट इज़ बेसिकली प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 0 to 10, इस तरह से प्रिंट कर रहा है। अब डिक्रीमेंट कहाँ यूज़ होगा? सपोज मैं लिख रही हूँ फॉर आई इज़ इक्वल टू 5, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस एंड प्रिंट एफ परसेंटेज डी एंड आई। नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन, इट विल चेक इनिशियल वैल्यू क्या है, 5 है, क्या वो 1 से बड़ी है, हाँ जी है, अंदर आया, प्रिंट किया, डिक्रीमेंट हुआ, माइनस माइनस डिक्रीमेंट, आई की वैल्यू हो गई 4, क्या वो अभी भी 1 से बड़ा है, हाँ जी है, अंदर आएगा, मीन्स इट इज़ प्रिंटिंग 5 4 3 2 1, इन दिस वे इट विल बी प्रिंटिंग। अब देखिए, ये जैसे लूप है, इसमें सबसे पहले क्या हुआ, इनिशियल एक्सप्रेशन जो मैंने आई इज इक्वल टू 0 लिया था, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, अगर ट्रू है, फॉल्स है तो एग्जिट आ जाएगा, ठीक है, लूप से बाहर। अगर ट्रू है तो क्या कर रहा था, वो प्रिंट कर रहा था। ठीक है, अपडेट एक्सप्रेशन यानी कि या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस, ज़रूरी नहीं है कि आई लें इसको, इट कैन बी एनी वैलिड यूज़र डिफाइंड नेम, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी शुड टेक आई ओनली। सो नेक्स्ट इज़ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप पहले हम समझेंगे व्हाइल लूप कैसे हम यूज़ करते हैं, उसके बाद आपको डिफरेंस समझ में आएगा। व्हाइल लूप इज़ बेसिकली इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट टिल द कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, अब आप कहेंगे कंडीशन तो वहाँ पे भी चेक होती है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। पहले हम समझेंगे कि हम फॉर और व्हाइल को लिखते कैसे हैं। फॉर कैसे लिखते हैं हमको पता है, हम उसे कंपेयर करेंगे व्हाइल से।
Like if I am writing I is equal to 0, I is less than 5 and I plus plus. ठीक है, अब मैंने ये लूप लिखा और यहाँ पे अंदर लिखा सपोज प्रिंट हाई. ठीक है, अब मैं हाई प्रिंट कर रही हूँ 5 टाइम्स, प्रिंट एफ. तो हाई प्रिंट कर रही हूँ मैं 5 टाइम्स. ठीक है, तो अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि मीन्स यहाँ 0 से 5 तक चलेगा जब तक कि I की वैल्यू 5 तक नहीं पहुँचेगी. इट विल कम इनसाइड एंड प्रिंटेड. अगर इसी को मुझे वाइल लूप में लिखना है, पहली बात तो जो आपका इनिशियलाइजेशन होता है वो लिखते हैं हम, फिर कंडीशन चेकिंग. वाइल इज़ अ कीवर्ड, कंडीशन चेकिंग I इज लेस देन 5. उसके बाद आपके बॉडी ऑफ लूप एज इट इज, एंड देन इंक्रीमेंट. जो ये इंक्रीमेंट है ये वाइल के बॉडी के अंदर होता है, एंड दैट्स इट. यही ये दोनों का अगर मुझे चेंज करना है तो हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं. कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कन्वर्ट दिस वाइल लूप इनटू फॉर लूप और फॉर लूप इनटू वाइल लूप. ध्यान ये देना है आपको कि ऑल फॉर लूप्स कैन बी कन्वर्टेड टू वाइल लूप बट ऑल वाइल लूप कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू फॉर लूप. सारे फॉर लूप को हम वाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं पर सारे वाइल लूप को फॉर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब पहले तो डिफरेंस समझेंगे क्या डिफरेंस होता है. देखिए, अगर मैं चाहूँ कि मैं यूज़र से इनपुट लूँ, जब मुझे नंबर ऑफ टाइम्स नहीं मालूम है कि यूज़र इनपुट डालने वाला है, तो हम वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक वैल्यू ले ली x इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, अब मैंने सपोज़ मैंने वाइल x इज इक्वल टू 0, मैंने एक कंडीशन ले ली कि जब तक x की वैल्यू 0 है आप सपोज़ प्रिंट करो हाई. सो इसको ऐसे, ठीक है, प्रिंट करिए हाई. फाइन, प्रिंट एफ, हाई प्रिंट करेगा ये. अब कब तक, अगर मैं इतना ही छोड़ देती हूँ तो क्या होगा कि ये इनफाइनाइट लूप चलेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमेशा ही जीरो रहने वाली है, हमेशा ही वो हाई प्रिंट करेगा. अगर मैं चाहती हूँ लूप से बाहर आने के लिए तो मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी. मैंने क्या किया, प्रिंट किया कि भाई एंटर 0 टू कंटिन्यू. प्रिंट एफ, आई राइट इट हियर. सपोज मैं यहाँ लिख दे रही हूँ क्लियरली, एक्स इज इक्वल टू 0 वाइल एक्स इज डबल इक्वल टू 0. अब प्रिंट एफ, सपोज मुझे हाई प्रिंट करना है. ठीक है, फिर प्रिंट एफ बैक स्लैश एन एंटर 0 टू कंटिन्यू. मीन्स अगर वो 0 डालेगा, अगर यूज़र 0 इनपुट करेगा तो ये लूप से बाहर नहीं आएगा. परसेंटेज डी, और मैंने इनपुट किस में कराया, एक्स में. तो अब क्या करेगा वो, पहले तो हाई प्रिंट किया फिर एंटर 0 टू कंटिन्यू. अगर यूज़र ने 0 डाला है तो क्या होगा, कंडीशन चेक करेगा वो, क्या एक्स की वैल्यू 0 है, हाँ जी है, अंदर आएगा प्रिंट करेगा फिर बोलेगा एंटर 0 टू कंटिन्यू. अगर मैंने कुछ नॉन जीरो वैल्यू डाली, 0 के अलावा कुछ भी डाला, तो इट विल कम आउट ऑफ द लूप. मीन्स इसमें ये वाइल लूप कब यूज़ होता है, जब नंबर ऑफ इटरेशंस आर नॉट फिक्स्ड. यही डिफरेंस है कि फॉर लूप इज़ यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ इटरेशंस आर फिक्स्ड, कि मुझे कितनी बार एग्जीक्यूट करना है. इफ़ वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, दैट टाइम वी विल यूज़ वाइल लूप. ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड वाइल लूप इज, फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, और वाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी. यही डिफरेंस है फॉर लूप और वाइल लूप में. अब वाइल लूप के जैसा एग्जैक्टली, अच्छा ये आपका देखिए मैंने फ्लो डायग्राम बनाया है. टेस्ट अंदर आया टेस्ट एक्सप्रेशन, एंट्री कंट्रोल है ये. टेस्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो बॉडी इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, फॉल्स है तो वो बाहर चला जाएगा. डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल इज, वाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल एंड डू वाइल इज एग्जिट कंट्रोल. मीन्स डू वाइल में क्या होगा, एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा उसके बाद कंडीशन चेक होगी. डू वाइल भी तभी यूज़ होता है जब मुझे नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स नहीं है. आप ये देखिएगा, डू लिखेंगे और इसके अंदर जो भी बॉडी ऑफ लूप है वो रहेगी, और वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन इनिशियलाइजेशन वैसे ही होता है जैसे वाइल में होता है. डू यानी ये करेगा और बाद में चेक होगा. अगर ये कंडीशन ट्रू है, नोट द सेमी कोलन नेक्स्ट टू वाइल, इसमें सेमी कोलन आता है. ठीक है, तो इसके जब से एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कंडीशन चेक होगी. तो जब कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इट विल कम आउट ऑफ द लूप. सो दिस इज द फ्लो डायग्राम डू वाइल लूप का, कि देखिए पहले तो बॉडी
में आएगा मींस पहले एक बार एटलीस्ट ये एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है तो वापस जाएगा, नहीं है तो इट विल कम आउट ऑफ द लूप. सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ लूप्स. अब इससे रिलेटेड हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.